इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने प्रकट होते ही मां को दर्शन दिया। क्यों? बाप जी को दर्शन नहीं दिया, मां को दिया। और दूसरी बार भी भगवान ने मां को दर्शन दिया, बाप जी को नहीं दिया। कारण जानते हैं? चक्रवर्ती जी महाराज ने मां शत्रुपा जी के वर मांगने के पश्चात एक ऐसा वर मांग दिया, भगवान उसका निर्वाह करते हैं। सुत विषयिक तब पदरति होवु, अर्थात जगत के पिता का जैसे अपने पुत्र में राग होता है, वैसा मेरा आप में हो। इतने नहीं, कहते हैं मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मुझे कोई बड़का मूढ़ कहे तब वो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। जो जो मांग गए वैसा व्यवहार हो रहा है। क्या मांग गए? तो जगत के जीव पिता का जो पुत्र में प्रेम, वह मेरा आप में हो। मां ने नहीं मांगा। जे निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख चाहहि जो गति लहि, वही सुख गति मति रहनी विवेक। कृपा करके दीजिए। तो भगवान ने मां को वही रहनी विवेक गति प्रदान कर रखी। अब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको अपनी चेतना के आधार पर भगवान से जैसी मेरी चित्त वृत्ति है उसी प्रकार की कामना करनी चाहिए। हम कैसे हों, हम क्या हों, हम आगे क्या चाहते हैं, ये हमारा तय हो। ऐसे कई लोग, अच्छा कई लोग नहीं, हमको तो लगता है कि 50% से ऊपर के भगत लोग यही नहीं समझते हैं कि हम कौन प्रकार के भगत हैं। 9 में से हम श्रवण वाले भगत हैं, कीर्तन वाले भगत हैं, सुमिरन वाले भगत हैं, सेवा वाले भगत हैं, पूजा वाले भगत हैं, हमारा प्रकार क्या है? कल पूछूंगा, सोच के आइएगा, हमारा जो प्रकार है वो कौन सा है, हम किस प्रकार के भगत हैं? हो मां को दर्शन हो रहा है, चक्रवर्ती जी को दर्शन नहीं हो रहा है। चक्रवर्ती जी चारों लालनों में एक भाव रखते हैं, परंतु राम जी में उनकी अतिशय प्रीति है। पिता की सभी संतानों में समान गति होती है, परंतु जो आज्ञाकारी होता है ना, उस पर ममत्व अधिक होता है। माँ ने वचन लिया, प्रभु ने वचन दिया, प्रभु ने माँ को दिया, ऐसा आनंद नित्य नवीन रूप में वर्धन हो रहा है। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दी। कुछ समय बीता है तो गुरुदेव भगवान विप्र देवताओं के साथ आकर चूड़ाकरण संस्कार संपन्न कराए, दक्षिणा प्राप्त हुई, विदा। थोड़े बड़े हुए सरकार, बड़े हुए, चूड़ाकरण हो गया तो खेलने जाने लगे।
कल कई लोगों ने कहा है कि महाराज आज तो आपने भजन एको गाया ही नहीं। अरे हमको कथावा में याद नहीं रहता है कि भजन गाया कि नहीं गाया, बाद में स्मरण आता है। एक कथा ऐसी है, यही नहीं पूरी होती हो, बद्ध होकर कथा करने का स्वभाव नहीं है मेरा, इतनी देर में पूरा हो जाएगा। अरे ये कथा ऐसी है कि बढ़ती जाती है, रुकने वाली कथा है। सरकार हमारे बड़े हुए, खेलने जाने लगे। माताएं सावधान रहती हैं कि बच्चे बाहर न जाएं। बच्चों के पीछे एक आदमी लगा ही रहता है, अरे देखा देखा गया हो, देखा गया। माँ ने समझाया कब, जब लाला सरजू तट जाने की जिद करते हैं तो माँ कहती है बच्चों में बचपन से ही बात मानने की आदत पड़े। कब पड़ेगी, जब हमारे अंदर हमसे बड़ों की बात मानने की आदत पड़ेगी। अच्छा, हम किसी की बात न माने, सब लोग हमारी बात माने, ऐसे कैसे होगा? कहो, हम केहू का न माने और हमार सब माने, होता है क्या? अरे आप सुताने रखू है क्या? हो जाती हैं, क्योंकि हमारा बड़ा जब हमें कोई बात कहकर समझाना चाहता है तो हम समझना नहीं चाहते हैं, हम तुरंत उस बात का उत्तर ढूंढने लगते हैं। हम तो समझ गए, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा, देखिए अभी ये माइक केवल मेरे सामने लगा है तब तो ठीक है, यदि यह माइक एक एक आप सबको दे दिया जाए तो हमको यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं इसमें आप भी कुछ बात निकाल लेंगे। प्रेमभूषण जी जरा मैं बोल लूं तो फिर हो गई राम कथा। वो तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वक्ता बोले और थोड़ी देर पूछ ले तो श्रोता कुछ बोले, फिर श्रोता बोलेंगे, अब वक्ता डोलेंगे। घर में देखिए किसी ने एक बात कही तो आदमी तुरंत बच्चे उसकी सफाई अपनी सफाई में प्रस्तुत हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, उस लिए वैसा किया, आप समझ नहीं पाए इस उस लिए मैंने ऐसा किया। अच्छा भाई माफ कर, समझ गया मैं, खत्म। हम अपने से श्रेष्ठ की बात सुनकर गुनने के लिए नहीं सुनते। अब इस पर हम क्या कहेंगे, तुरंत ढूंढ लेते हैं। अरे भाई बतिया तो पूरा सुन ले, नहीं नहीं आपने जितना कहा मैं उतने में समझ गया। हमारा एक भंडारी था तो हम जब उसे कुछ बताते थे तो बस आधी बतिया सुन के समझते हम समझ गया, ऐसा समझता था कि हम ही समझते थे कि वो समझता था। आओ ऐसा न समझिए, इसको पूरा सुनिए सुनिए। सरकार ने सुना और नहीं गए। आयस मांग कर ही पुर का जा, वही भरत जी में अज्ञा समनस साहिब सेवा। आप दर्शन करेंगे, भरत भैया अभिषेक की सामग्री यह सोच कर लाए थे कि गुरु जी वन में ही राम जी को तिलक कर देंगे, यही है ना हो, लेकिन प्रभु से पूछते समय रुख देखकर भरत जी ने क्या कहा, प्रभु अभिषेक हित जो सामग्री लाए हैं मन माने तो स्वीकार करें, नहीं तो उसके लिए क्या आज्ञा है यह दें। श्रेष्ठ को कभी बाध्य न किया जाए। श्रेष्ठ को बाध्य न किया जाए। श्रेष्ठ से अपनी वाली न कराई जाए। श्रेष्ठ को जरा
उसके हिसाब से छोड़िए, तभी न श्रेष्ठ है जी। लेकिन ना, हम श्रेष्ठ को बाध्य करने की कोशिश करते हैं, राम जी का स्वभाव नहीं। आप निश्चित मानिए, यदि चक्रवर्ती जी महाराज कुल की, राम जी की, सत्य की सौगंध न उठाए होते तो मेरे सरकार बन न जाते। पिता वचन दे चुके हैं, इसलिए भगवान को वन जाना पड़ा और तत्काल जाना पड़ा, क्योंकि मां ने संकल्प ले लिया है। प्रातः काल होते मुरु वेश में यदि राम जी वन नहीं जाएंगे तो आपको अपयश होगा और मेरा मरण होगा। अब राम जी वन न जाएं तो पिता को अब कीर्ति करावें और माई को मरवावें। इसलिए वचन देते समय हमको विचार करना है कि हमको क्या वचन देना है। हमसे कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज, ऐसा पहले जब मेरे को कोई खबर करता था ना, बिटिया का ब्याह है, बेटवा का ब्याह है, आइएगा, तो थोड़ा मैं रुष्ट होता था। आपने मेरे को बताया नहीं, रख लिया। अब मैं साफ साफ कहता हूं, अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, धीरे से कहता हूं मैं अथवा आशीर्वाद, जी 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 बस। तो मैं तो गया नहीं, आशीर्वाद जाएगा, क्योंकि हम कथा थोड़े छोड़ेंगे ब्याह शादी के लिए। हम अपने ब्याह में उसी दिन पहुंचे थे, कथा नहीं बंद होगी, कथे से तो जीवन है भैया, कहो प्यारे, कथा है तब ना है सब तथा जी, अब कथा नहीं तो तथा नहीं। आप भी जीने का ढंग बना लीजिए, विरोध किसी से न करिए, ठीक नहीं है। दुनिया अपनी यात्रा में है, आप भी अपनी यात्रा में रहिए। मेरे सरकार का यह सहज स्वभाव है। पूरे रामावतार में आप देखिए, भगवान ने किसी को बांधा नहीं। तो अके हई करे के परी ना, भगवान सबको मुक्त रखते हैं, किसी को भगवान ने माइंड अप नहीं किया, ना बधो नहीं जाओ। सुग्रीव को भी भगवान ने कह दिया, जाइए जाइए जाइए, राजपाट संभालिएगा, मेरे कार्य का स्मरण रखिएगा। स्मरण आदमी घर परिवार पा करके भूल गया, वेद शास्त्र भूल गई है, खरी तीन बात याद रहे, नून तेल लकड़ी, भगवान याद रहते हैं, भगवान का काम याद रहता है। अरे ही तो कहिए, ऐसा संयोग है कि अवसर आ जाता, नहीं तो भगवान को नहीं याद रहता है। आदमी अपने में झुराया है, बुरा नहीं है, चलने दीजिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।